नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। हम आपको बता दें कि छतरपुर में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। आप हमारे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और लोग अब सर्दी के कारण घरों से निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और इस तरीके से अब कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से खुले मौसम के बाद एकदम से पानी गिरने लगा है, सर्दी बढ़ गई है, तो अब लोगों को और भी सुरक्षा की ज़रूरत है। घरों से लोग ना निकलें क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में आ चुकी है। छतरपुर में भी एक्टिव केस 3 हो चुके हैं, जिसके कारण अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। इसके अलावा अब बारिश जो हो गई है, ऐसे में बीमारियां और भी अधिक बढ़ सकती हैं। हालांकि इस बारिश से किसानों की फसलों को फायदा है, लेकिन आम जनता को नुकसान होने वाला है क्योंकि बारिश होती है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। और इसी कारण से अब सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे होंगे। हम आपको अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के हालात बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सड़क पर सूनी सड़कें पड़ी हुई हैं, इक्का दुक्का गाड़ी निकल रही हैं और झमाझम बारिश का नज़ारा ये आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस तरीके से लोग लगातार बारिश का भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये बारिश आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। हालांकि वैक्सीन प्रशासन लगातार लगा रहा है, 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। 3 तारीख से वह भी लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसी बारिश मानसून भले ही जैसा भी हो, लेकिन ये नुकसानदायक हो सकती है। और बारिश का नज़ारा आप देख रहे हैं, लेकिन अब लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और कोरोना भी अपनी दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल करें। वरदान एक्सप्रेस भी यही अपील करता है, प्रशासन भी यही अपील करता है और प्रशासन के हर एक नियमों का पालन करना हम आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए प्रशासन के नियमों का पालन करें। रोको टोको अभियान भी प्रशासन चला रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कड़ाई से नियमों का पालन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।